ओके अभी ये प्रॉब्लम देखते हैं, माइनस 8/5 डिवाइड बाय 12। अब देखो 12 ये जो है अपन इसको रैशनल फॉर्म में लिखेंगे 12/1, ठीक है, 1 से डिवाइड किया तो 12 ही आता है आंसर, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई माइनस 5/6 डिवाइड बाय माइनस 2/1 लेंगे, ठीक है। अब माइनस 8/5 डिवाइड करके मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/12। मल्टीप्लाई माइनस 5/6 इसे करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस 1/2। माइनस हमेशा ऑलवेज ऊपर ही रहेगा, ठीक है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में। अब इसको कट करते हैं तो यहाँ पे कट जो है, ठीक है, तो यहाँ पे कटूंगा 4 से, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। अब ये लिखते हैं इसको ऐसा कि वैसा, तो माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई ये माइनस 5। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस निकल जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 और 2 ये कट हो जाएगा, 2 1 2 1 ये 5 1 5 1, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 इज माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 6 इज 18, ठीक है। तो माइनस 1/18 ये हो गया 8 का आंसर।